हेलो क्लास ट्वेल्थ, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। आज था हमारा क्लास ट्वेल्थ का मैथ का बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई का, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पेपर फर्स्ट सेट वन के एमसीक्यू के क्वेश्चन आंसर्स। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं एमसीक्यू के करेक्ट आंसर क्या थे। तो सारे के सारे बच्चे अपना पेपर निकाल लो और शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये फंक्शन जो है ये इंजेक्टिव है मगर सब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है मगर इंजेक्टिव नहीं है। ये इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है, और ना ही ये इंजेक्टिव है ना ही सब्जेक्टिव है। तो अगर आपने इसका आंसर डी लगाया तो आपका आंसर क्या है सर, सही है, क्योंकि ये फंक्शन ना ही हमारा इंजेक्टिव है, मतलब वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। यहाँ पे आपके पास ये ए जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें बताना है टू ए माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एलिमेंट डायगनल के जीरो होते हैं, तो ए तो हमारा जीरो होगा और बी और सी इक्वल होंगे और अपोजिट साइन के होंगे, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारा जीरो और टू ए भी जीरो, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा जीरो। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तीसरे ऑर्डर की, और एडजॉइंट ऑफ ए हमें कितना दे रखा है एट। हमें बताना है ट्रांसपोज का ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। ये क्या होता है हमारे पास, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है ये होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। तो ये हो गया हमारा एट और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। जब स्क्वायर को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास टू रूट टू, और ट्रांसपोज का और ए का दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होता है सेम होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा डी, टू रूट टू थर्ड का सही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। हमें ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ये इस मैट्रिक्स का क्या है इनवर्स है, तो हमें बताना है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो आपने क्या करना है, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है और इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है, और फिर फॉर्मूला यूज करना है कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ये होता है वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे तो आपको जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, फोर होगी। तो आपका जो फोर्थ का सही आंसर होगा ये होगा हमारा फोर, ऑप्शन डी। फिफ्थ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, और जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5x माइनस का 2, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 6 है 6 और प्लस का x। अब क्या करना है, x वालों को एक तरफ कर देना है बिना x वालों को एक तरफ, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू माइनस 4 और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। तो आपका नंबर ऑप्शन जो ए है वो क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे पास हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है, और जो ए है वो हमारा 2×2 का एक मैट्रिक्स है, और जो ये मैट्रिक्स हमारी बनी है ये ऐसे बनी है मैक्सिमम आई जे माइनस में मिनिमम आई जे। अब ये क्या है, यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो गए होगे। तो देखो पहला एलिमेंट क्या होता है 1 1, तो दोनों ही उसमें मैक्सिमम क्या है 1 और मिनिमम क्या है वो भी 1, तो आपका क्या हो जाएगा 0। दूसरा क्या होता है 1 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बन जाएगा 1। फिर क्या होता है 1 2 टू वन, तो यहाँ पर भी 1 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। अब जब आप इसका दोबारा प्रोडक्ट निकालोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो 0 और 1, यहाँ पे 0 और ये भी 0, यहाँ पर 0 और ये 0 और ये 1 और ये 0, तो आपका क्या बन गया 1 0 और 0 1। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा सिक्स का ये क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन, एक्स ई की पावर वाई किसके बराबर दे रखा है 1 के। हमें बताना है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारा, एक्स इक्वल टू 1 पे। तो क्या करना है आपने, सिंपली ई की वाई को यहीं रहने दो और ये हो गया आपका 1 बाई एक्स। अब ई को इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग 1 बाई वाई, वाई इज इक्वल टू में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस लॉग एक्स। इसके बाद वाई डैश क्या हो जाएगा हमारा माइनस 1 बाई एक्स। अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा माइनस 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सेवन्थ का, बिल्कुल ही सही होगा। इसके बाद एट पे चलते हैं, हमें e साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव बनाना है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू cos x। तो अगर हम ऊपर e साइन स्क्वायर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा e की साइन स्क्वायर x ऐसे कैसी रहेगा, साइन स्क्वायर का करेंगे तो 2 sin x हो जाएगा, और फिर साइन x का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x।
और जब कॉस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, तो ये और ये हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या बच गया, टू कॉस एक्स माइनस का टू कॉस एक्स और ई की साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो हमारा ऑप्शन ये कहाँ है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो एट्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नाइन्थ आपका बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आया है, आपको बताना है इस पॉइंट का लोकल मिनिमा क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर टेंथ पे। ये हमारे पास वाई है और एक्स जो है वो टू यूनिट के रेट से इंक्रीज कर रहा है, हमें स्लोप बनाना है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है आपके पास। पहले आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, तो क्या हो जाएगा सेवन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, और इसको बोलते हैं स्लोप। अब इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का सिक्स एक्स और डी एक्स बाई डी टी। माइनस सिक्स, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है फाइव, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है टू, तो ये हो गया टेन और ये हो गया सिक्सटी। तो माइनस का सिक्सटी, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा वो क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। टेंथ का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल हमारा सही होगा। इसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन का सवाल, लॉग एक्स को आप टी लेट कर लोगे तो आपका वन बाय एक्स आ जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा वन बाय टी स्क्वायर, और वन बाय टी का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है माइनस वन बाय टी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है माइनस वन बाय लॉग एक्स प्लस सी, ये होगा हमारा इलेवेंथ का बिल्कुल ही सही आंसर। ओके चलते हैं आगे। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, इंटीग्रेशन है माइनस वन से लेकर वन एक्स मोड एक्स डी एक्स। सभी बच्चों ने कर ही लिया होगा इसका आंसर, और अगर आपका आंसर डी आया है तो आपका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा जीरो। चलते हैं हमारे पास थर्टीन क्वेश्चन। थर्टीन क्वेश्चन में बच्चों से हुई होगी काफ़ी सारी मिस्टेक, क्योंकि हमारे पास ये कर्व है और इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है सेकंड क्वाड्रेंट का निकालना है, तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट का निकालेंगे तो ये होएगा हमारा फोर बाय थ्री, और हमें टोटल निकालना पड़ेगा तो इसे टू से मल्टीप्लाई। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो थर्टीन का होगा ऑप्शन बी एट बाय थ्री। यहाँ पे 14 में हमें बताना है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर पे, अब यहाँ पे साइन डीवाई है तो ये डिग्री पे असर डालता है, ऑर्डर पे नहीं डालता। तो ऑर्डर हमारा क्या होगा 4। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। इसके बाद 15, वेक्टर के अंदर सेक्शन फॉर्मूले से क्वेश्चन आया है। ये हो गया आपके पास पी पॉइंट, ये हो गया आपके पास क्यू पॉइंट, और ये हो गया हमारे पास आर पॉइंट। रेशो है 3:1, यहाँ पे हमारे पास P वेक्टर और यहाँ पर है हमारे पास Q वेक्टर। हमें R की पोजीशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा P की तो 1 के साथ होगी, तो P वेक्टर प्लस में 3Q वेक्टर अपॉन में 3 और 1 कितना हो गया 4। तो ऐसा आंसर कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर A हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया है थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन। ये हमसे बोल रहा है ये हमारी लाइन है और हमें पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस में बताना है कि एंगल कितना बनाएगा। तो इसके नीचे क्या है माइनस वन, डायरेक्शन रेशो क्या है आपकी 1, माइनस वन और 0। इसका मॉडुलस निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा रूट टू। अब हमारे पास जो कॉस बीटा हुआ ये हुआ माइनस का 1 बाय रूट टू, और माइनस का 1 बाय रूट टू कब होता है हमारे पास, पाई बाय 3 पाई बाय 4 पे, और हमें निकालना है पॉजिटिव में। तो हमारा जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो होएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा 16 का। अब चलते हैं अपने 17 क्वेश्चन पे। ये हमारा लाइन का क्वेश्चन आया है 3D का। हमारे पास ये पासिंग पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, लाइन है। हमें बताना है उस कार्टेशियन लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस पॉइंट से पास करेगी और इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अगर आपने इसका आंसर डी लगाया तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल ही सही ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं 18 पे। पी ए कंडीशनल बी इक्वल टू है बी कंडीशनल ए के। तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये हो गया आपका पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, और ये से आप क्या लिख सकते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी, बस नीचे क्या बदल जाएगा पी ए, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो गए और दोनों हमारे क्या हो गए, पी ए इक्वल टू पी बी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वो क्या होगा, बिल्कुल ही सही ऑप्शन होगा। चलते हैं 19 पे। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। डोमेन हमसे बोल रहा है वाई इक्वल टू है कॉस इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन जो होती है वो होती है माइनस वन से लेकर वन, तो बात बिल्कुल क्या है, ट्रू है। और जो रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू होती है रेंज कॉस इनवर्स एक्स की, ये होती है
जीरो से लेकर पाई माइनस में पाई बाय टू, तो ये क्या है? फॉल्स, क्योंकि हमारी जो रेंज होती है वो होती है सिर्फ जीरो से लेकर पाई तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एसर्शन तो ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। ये वाला क्वेश्चन हमें डोमेन बता रखी है कॉस इनवर्स की क्या है, माइनस वन से लेकर वन, और रेंज हमारे पास बोल रहा है कॉस इनवर्स की क्या है, जीरो से लेकर पाई माइनस पाई बाय टू। तो हमारी डोमेन तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी जो रेंज है ये क्या दे रखी है, इसने फॉल्स दे रखी है। तो एसर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो आप ऑप्शन सी लगा दोगे इसका, और सी होगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे, लास्ट एमसीक्यू पे। ये हमारे पास तीन वेक्टर दे रखी है, हमें बताना है राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, तो आप तीनों का मॉडुलस लगा के पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो आप देखोगे कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आपका क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पे तीन नॉन जीरो वेक्टर हैं जो कि कॉलिनियर भी नहीं है, नन ऑफ देम, कोई कॉलिनियर नहीं है, तो वो एक ट्राइंगल बनाएंगी, तो बिल्कुल ट्राइंगल बनाती हैं, और जो रिजल्टेंट होता है और सम ऑफ एनी टू वेक्टर होता है वो इक्वल टू होता है थर्ड साइड, तो ट्राइंगल लॉ की वजह से ये भी क्या होगा आपका, ट्रू। तो एसर्शन और रीजन दोनों हमारे ट्रू हैं, मगर इनका आपस में लिंक नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, मगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप, बी। तो आपके 20th एमसीक्यू का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, बी। और इस तरीके से ये थे आपके इस सेशन के, मतलब इस टर्म के फाइनल एग्जाम के एमसीक्यू आंसर। ओके, आप सारे के सारे बच्चे अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे, आप सारे बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सही हो, इसी के साथ सारे बच्चों को गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मिलते हैं सेट टू के आंसर्स के साथ, तब तक सभी बच्चों को बाय।